हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनर अड्डा फॉर स्टडी, वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है अभी एलटी गेट यूपीपीएससी एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर के। अभी अभी का जो आज का न्यूज़ पेपर है उसमें जो खबर आपको मैं बता रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक है। आपको जैसे कि कल की तरह मैंने बताया था तो आपके सामने लिखा ही होगा, फंस सकती है 29 को होने वाली एलटी गेट शिक्षक भर्ती। इलाहाबाद राजकीय इंटर कॉलेजों में ये जो आपको आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं आपको झूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ। इलाहाबाद इंटर कॉलेज के लिए होने वाली एलटी गेट शिक्षक भर्ती एक बार फिर से विवादों की भेंट चढ़ सकती है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा 29 जुलाई को प्रस्तावित है। चयन बोर्ड ने की ओर से जीव विज्ञान सहित टीजीटी पीजीटी के 6 विषयों को पद खत्म कर दिए गए जाने के बाद अब टीईटी पास बीएड बेरोजगार ने एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा स्थगित कर नियमों में बदलाव की मांग की है। जबकि लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को हर साल 29 जुलाई को कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर बीएड टीईटी उच्च प्राथमिक बेरोजगार संघ ने एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए बीएड पास टीईटी बेरोजगारों ने 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने की टीईटी अनुवाद करने की मांग की है दो हज़ार चौदह में एलटी गेट शिक्षक भर्ती प्रमाण पत्रों के फर्जीवाड़े के भेंट चढ़ गई थी। बीएड टीईटी उच्च माध्यमिक बेरोजगारों के संघ का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में होने वाली एलटी गेट शिक्षक भर्ती से चयनित शिक्षक 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार ने 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए एनसीटीई के मानकों के अनुसार टीईटी अनुवाद किया है। आरटीआई से इस बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया आरटीआई ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के इस बारे में जवाब दिया और एलटी गेट व विशिष्ट स्नातक शिक्षकों के 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण का कार्य करते हैं। सरकार की ओर से 1989 में सीटों को ग्रेड समाप्त करने के बाद इन कक्षाओं को एलटी गेट शिक्षक ही पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको पूरा न्यूज़पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि ये आज का बिल्कुल 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने के लिए किसी दूसरी श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है वीरो। तो दोस्तों, ये पूरी खबर है जैसा कि आप लोगों के सामने है कि जो अभी बात आ रही है कि फंस सकती है। अब पहले तो जो बायोलॉजी के जिन लोगों के जो निरस्त कर दिए थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, अब जो टीईटी पास अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है कि उन्होंने कहा नियमों 10 तक उनको पढ़ाने का आयोग की तरफ से वो आश्वासन था, लेकिन अगर अब टीईटी वाले भी इसके साथ जुड़ गए हैं, टीईटी वालों का विवाद इसके साथ बढ़ गया है। अगर टीईटी वालों का विवाद अगर बढ़ता है तो ये काफ़ी मामला गर्मा सकता है। तो टीईटी अनुवाद किया जाए कि बच्चों को, अब जो अभ्यर्थी थे जो पहले जो बायोलॉजी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब टीईटी वालों ने भी इसमें प्रोटेस्ट करने लगे हैं। तो कल जो हुआ दोस्तों, कल बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ आयोग के दफ्तर के बाहर जा कर के, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के कारण अब आज के अखबार में जो न्यूज़ आई है कि फंस सकती है एलटी गेट 29 को होने वाली परीक्षा। बाकी जो भी दोस्तों होगा वो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। आज की जो सबसे लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपको अभी बता दी है, अभी इसके फ़िलहाल इसके बारे में इतनी जानकारी है। बिकॉज अब जो बात आ रही है ना कि कल का जो लेकर देख करके कल का प्रोटेस्ट देख करके अब आयोग भी हड़बड़ा चुका है, थोड़ा सा आयोग जो है हिल गया है। बाकी जो भी होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर दे दिया जाएगा। टिल देन दोस्तों, टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।